गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ देख रहा हूँ मैं, गोवा के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री भी मुझे नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश के मेहमान, जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्टर, डेनमार्क के इंडस्ट्री बिजनेस मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी, श्रीपद नायक जी और दुनिया के कई देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का फोर्थ एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को
डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीज का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और यह भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैम फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपीस से अधिक अप्रूव किए गए। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद
फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए, फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन शहद का काम उसका उदय हुआ, जिस धरती पर सूर्य क्रांति सोलर रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, वहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। दुनिया में जैसा अभी भूपेंद्र भाई ने बताया, क्लाइमेट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने वालों में भी गुजरात बहुत आगे था। जिस समय भारत में सोलर पावर की बहुत चर्चा भी नहीं थी, गुजरात में सैकड़ों मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे थे। साथियों, आपने भी देखा होगा, ये जो वेन्यू है इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा मंदिर। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था, धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। भारत इस बात को भली भांति जानता है। हमारी एनर्जी नीड्स क्या है भारत जानता है। 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है।
हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप्ड नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। अब 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। आप सभी को, अभी आपने वीडियो भी देखा, हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। इस एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर कर चुकी है। अभी तक 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये रिजल्ट अपने आप अद्भुत है। एक छोटा परिवार जिसकी महीने में 250 यूनिट बिजली की खपत है और जो 100 यूनिट बिजली पैदा करके ग्रिड में बेच रहा है, उसे साल में करीब करीब 25,000 रुपए की कुल बचत होगी। यानी लोगों का जो बिजली बिल बचेगा और जो वो कमाएंगे, उससे उनको करीब 25,000 रुपए का फायदा होगा। अगर इस पैसे को वो पीपीएफ में डालते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं, और घर में मानो बेटी का जन्म हुआ है, 1 साल की बेटी है, तो 20 साल बाद 10-12 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक ये पैसा बहुत काम आएगा। साथियों, इस स्कीम से 2 और बड़े लाभ हैं। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। ग्रीन जॉब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। हजारों वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी, लाखों लोग ये इसको इंस्टॉल करने के लिए लगेंगे। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलर पीवी टेक्नीशियंस भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलार क्रांति का चैप्टर, सोलार रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, जो विदेश के मेहमान आए हैं, मैं उनको कहूंगा यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत खास गांव है, मोढ़ेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेंपल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं भी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे भी मेरा आग्रह है, एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलार एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलार एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को, हमारे खेतों को भी, हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर जनरेशन का माध्यम बना रहे हैं। आज किसानों को इरिगेशन के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दी जा रही है। भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हर सेक्टर में बड़ी स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। बीते दशक में हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पहले की तुलना में 35% ज्यादा बिजली पैदा की है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हमने करीब 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। आज भारत में वेस्ट टू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल से जुड़े चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए
हम सर्कुलर अप्रोच को प्रमोट कर रहे हैं। रीयूज और रीसाइकल से जुड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार हो, इसके लिए स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है, इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लेकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब करीब 1.5 करोड़ लोग होते हैं, इतनी बड़ी ट्रेन का कर, और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पैड लगा रहे हैं, एक पैड मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है। सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही है। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है, और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं हमारे मीडिया में कभी कभी गोसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहां भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए, मेरा मंत्री भी कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया।
मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार